हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी एग्जाम प्रिपरेशन विद नीलेश आनंदवाड़ी, द चैनल फॉर द ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल साइंस फॉर द नीट सीईटी नेट सेट गेट पेट एंड आईआईटी जेम। आज मैं आप सभी लोगों के सामने जो टॉपिक लेकर आया हूं, उस टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर फंक्शंस एंड मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। तो प्लांट मतलब जो वीडियो का थंबनेल है, उस थंबनेल को देख के आप समझ ही गए हो कि हम क्या पढ़ाने वाले हैं आज। तो मैं कभी भी थंबनेल कुछ और अंदर का मटेरियल कुछ और, ऐसा कभी नहीं होता है हमारे सामने। तो आइए चलिए हम देखते हैं डिटेल में स्ट्रक्चर ऑफ रूट, फंक्शन ऑफ रूट एंड मॉडिफिकेशन ऑफ रूट इस पॉइंट की तरफ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि प्लांट के रूट का बेसिक स्ट्रक्चर्स कैसा होता है। तो ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स है प्लांट के रूट का। सो जनरली द रूट ऑफ अ प्लांट इज अ होमोजेनस पार्ट ऑफ अ प्लांट बॉडी। वॉट इज होमोजिनस? सिमिलर पार्ट ऑफ अ प्लांट बॉडी। प्लांट के रूट जो होते हैं वो सिमिलर पार्ट होते हैं। जस्ट बिकॉज रूट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर विच गेट डिवाइडेड एंड प्रोड्यूसेस न्यू ब्रांच कॉल्ड सेकेंडरी रूट विच प्रोड्यूसेस थर्ड ब्रांच कॉल्ड टर्शियरी रूट। लेकिन ये जो है ये सब ब्रांचेस ही है रूट की। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट ये जो है ब्रांचेस, ये रूट की ब्रांचेस हैं। एक जैसे ही दिखती है इसीलिए हम उसे कहते हैं यू कैन से होमोजिनस पार्ट। Now, root is basically divided into these five parts, as you can see. First one is root cap, second one is the area of cell division, third one is area of elongation, fourth one is area of cell differentiation, and this is the root hair area, means area of, actually this area is called as a area of absorption. ठीक है, जहां पे भी रूट हेयर्स होते हैं ये पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं, इसके लिए हम उसे कहते हैं एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। सो रूट कैप, रूट कैप इज अ ट्रायंगुलर पॉइंटेड पोर्शन लोकेटेड एट द बेस ऑफ अ रूट। इट प्रोटेक्ट द रूट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज एज वेल एज फंगल इन्फेक्शन एज वेल एज डू नॉट अलाउ द एंट्री ऑफ अ मटेरियल विदाउट एनी काइंड ऑफ परमिशन। एक्चुअली रूट कैप है ना, काफी सारी चीजों को प्रोटेक्ट करते हैं, कुछ मिनरल्स को प्रोटेक्ट कर देते हैं अंदर आने से। ये जनरली फंगल, वायरल, बैक्टीरियल इन इन्फेक्शंस को भी प्रोटेक्ट करने में मदद करते हैं, और प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना ये भी इनका काम है। रिमेंबर रूट कैप ऑल्सो हेल्प द प्लांट टू पुट द प्लांट रूट इन द बॉटम ऑफ यू कैन से सॉइल। सॉइल के अंदर की तरफ प्लांट को धकेलने में रूट कैप का काम होता है। देन एरिया ऑफ सेल डिवीजन, रिमेंबर वन थिंग वेरी क्लियरली, इन द प्लांट बॉडी देर आर सो मेनी काइंड ऑफ सेल, पेरेंकाइमा, कोलेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा, टिश्यूज लाइक जाइलम एंड फ्लोएम, एंड देन देयर इज अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आउट ऑफ ऑल दिस सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसे होते हैं जो सेल डिवीजन कर सकते हैं। तो ये जो एरिया ऑफ सेल डिवीजन है ना, यहाँ पे सब मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल एक सेल में से दूसरे, दूसरे में से तीसरे, ऐसे बहुत सारे सेल बनते हैं। मान लो यहाँ पे जो सेल्स हैं वो सेल्स मेरिस्टेमेटिक हैं और वो नए नए सेल्स को प्रोड्यूस करेंगे और वो सेल्स आगे की तरफ जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज अबाउट मेरिस्टेमेटिक सेल। दिस एरिया इज टोटली कवर्ड बाय द मेरिस्टेमेटिक सेल। रूट कैप के कुछ आगे नियर अबाउट 1 से 2 mm तक जो एरिया होता है प्लांट में, रूट में, वो होते हैं एरिया ऑफ डिवीजन। देन एरिया ऑफ इलोंगेशन, इलोंगेशन का मतलब होता है साइज बड़ी हो जाना। इलोंगेशन का मतलब होता है साइज बड़ी हो जाना। तो जहां से सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन के बाद जो सेल्स एड होते जाते हैं वो एरिया होता है एरिया ऑफ इलोंगेशन, एरिया ऑफ इलोंगेशन। तो सेल डिवीजन करने के बाद जितने भी नए नए सेल बनते हैं उनको आगे की तरफ भेज दिया जाता है और ये सेल्स आगे 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 जाके एक बड़ा सा एरिया बन जाता है। इस एरिया को हम कहते हैं एरिया ऑफ इलोंगेशन। उसके बाद आता है एरिया ऑफ रूट मींस एब्सॉर्प्शन और रूट हेयर। एरिया ऑफ एब्सॉर्प्शन इज आल्सो नोन एज एरिया ऑफ रूट हेयर प्रोडक्शन। जस्ट बिकॉज इन दिस एरिया देर आर सो मेनी रूट हेयर्स आर प्रोड्यूस एंड दिस रूट हेयर बेसिकली हेल्प इन द एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एज वेल एज मिनरल्स। Remember, these root hairs, if they are tertiary, they can break down and within a 15 days, they can new tertiary root can reappear. Area of a cell differentiation is an area. आपको यहाँ पे दिख रहा है।
मेरिस्टेमेटिक सेल्स सिर्फ सेल को प्रोड्यूस करते जाते हैं और इस एरिया में सेल्स की साइज बढ़ती बढ़ती जाती है, ये बड़े हो जाते हैं और एरिया की साइज भी बड़ी हो जाती है, इसे हम कहते हैं एरिया ऑफ एलोंगेशन। पर यहाँ पे आके वो सभी सेल्स पेरेंकाइमा, कोलेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा में डिफरेंशिएशन हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो बेसिकली देखो 10th स्टैंडर्ड तक सब सभी स्टूडेंट्स एक ही जैसा पढ़ते हैं, और उसके बाद जिनको डॉक्टर इंजीनियर बनना होता है वो साइंस पढ़ते हैं, जिनको एमबीए करना होता है या तो सीए करना होता है फिर वो कॉमर्स में जाते हैं, जिनको हिस्टोरिकल फील्ड में, ज्योग्राफिकल फील्ड में, लिटरेचर फील्ड में इंटरेस्ट हो वो आर्ट्स में जाते हैं, मतलब वो डिफरेंशिएट होते हैं। तो यहाँ तक क्या है, वो 10th क्लास में है सेम सेम सेम, और उसके बाद वो आगे चल के 11th 12th में सीनियर लेवल में जाते हैं, मतलब वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं। मैंने कॉमन एक एग्जांपल बताया था आपको स्टूडेंट्स को इजी समझे, ठीक है। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ अ रूट। आगे हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ अ रूट। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रूट्स आर देयर? एज यू कैन सी देयर आर टू टाइप ऑफ रूट्स, वन इज अ टैप रूट आल्सो नोन, सेकंड वन इज अ एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट इज आल्सो नोन एज अ ट्रू रूट्स, टैप रूट इज आल्सो नोन एज अ ट्रू रूट्स, एंड एडवेंटिशियस रूट इज आल्सो नोन एज अ सुडो रूट्स। टैप रूट इज आल्सो नोन एज ट्रू रूट्स एंड एडवेंटिशियस रूट इज आल्सो नोन एज अ सुडो रूट्स। तो क्या डिफरेंस है इनके बीच में? टैप रूट इज ऑलमोस्ट ग्रोइंग वर्टिकली एंड एडवेंटेशियस रूट इज ऑलमोस्ट ग्रोइंग हॉरिजॉन्टली, मतलब टैप रूट वर्टिकली ज्यादा ग्रो होते हैं और नीचे की तरफ जाते हैं, और एडवेंटेशियस रूट जिनको हम सुडो रूट्स भी कहते हैं ये जनरली हॉरिजॉन्टली मतलब साइड वाइज ग्रो होते हैं। तो ये दोनों रूट होते क्या हैं? जैसे हमने देखा था सीड में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रेडिकल और एक होता है प्लूमोल, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ा हमने इंट्रोडक्शन में। तो जो रेडिकल होते हैं उनमें से रूट बनते हैं, ठीक है। तो टैप रूट क्या होता है? द रूट विच इज प्रोड्यूस फ्रॉम रेडिकल पार्ट ऑफ अ सीड इज नोन एज अ ट्रू रूट, ऑल्सो नोन एज अ टैप रूट, एंड द रूट विच इज प्रोड्यूस फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ अ प्लांट बॉडी बट नॉट फ्रॉम टैप रूट और बट नॉट फ्रॉम रेडिकल पार्ट ऑफ सीड इट इज कॉल्ड एडवेंटिशियल। फिर से समझ लीजिए, जो रूट रेडिकल में से बनते हैं उन्हें हम कहते हैं टैप रूट और ट्रू रूट, और जो रूट प्लांट में से कोई भी पार्ट्स में से बन जाते हैं सिर्फ सिर्फ रेडिकल को छोड़ के, तो इसे हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स ऑल्सो नोन एज सुडो रूट्स। गाइस आई वॉन्टेड टू टेल यू टैप रूट्स आर मोर स्ट्रॉन्गर देन द एडवेंटिशियस रूट, एंड टैप रूट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ डायकोट प्लांट। जो भी डायकोट प्लांट होते हैं, डायकोट प्लांट मतलब ऐसे प्लांट जिनके सीड के दो पार्ट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं डायकोट प्लांट। तो डायकोट प्लांट हमेशा टैप रूट सिस्टम दिखाते हैं और मोनोकोट प्लांट एडवेंटेशियस रूट दिखाते हैं। मोनोकोट प्लांट में जो रूट होते हैं वो काफी फाइबरस होते हैं, थीन होते हैं, यस मतलब छोटे छोटे होते हैं, बारीक होते हैं, और टैप रूट में जो होते हैं ये काफी थिक होते हैं, जाड़े होते हैं, और थिक होने के कारण टैप रूट सिस्टम को प्लांट को निकालना एकदम इजी नहीं होता है और एडवेंटेशियस रूट काफी इजी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये शुगर केन होते हैं या तो वीट होते हैं, इनको अगर नीचे जमीन में से निकालो तो काफी इजीली निकल जाएंगे, लेकिन अगर आप दूसरे कोई प्लांट को डायकोट प्लांट को निकालने जाओ तो नहीं निकलेंगे, जस्ट बिकॉज उनमें टैप रूट सिस्टम है, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अभी मॉडिफिकेशन देखते हैं। सबसे पहले देखिए कि मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है। मॉडिफिकेशन करना मतलब चेंज करना, यस। जैसे हमें पता है कि गर्मियों की सीजन में हम कूलर लगाते हैं, एसी लगाते हैं, ठंडियों की सीजन में हम स्वेटर पहनते हैं, हीटर लगाते हैं घर में, बारिश में हम अम्ब्रेला यूज करते हैं, रेनकोट पहनते हैं, तो ये हमने अपने आप में चेंजेस किए हुए हैं। क्यों चेंजेस कर रहे हैं हम? क्योंकि एनवायरमेंट के तरफ हम अपने आप में एनवायरमेंट में हम अपने आप को डाल सके, उसमें सर्वाइव कर सके। सेम वे प्लांट भी अपने अपने पार्ट्स में चेंजेस करते रहते हैं, और वो चेंजेस क्यों करते हैं? ताकि एनवायरमेंट में अपने कुछ सपोर्ट कर सके। तो देखिए रूट के दो टाइप थे, एक थे टैप रूट, तो ये मॉडिफिकेशन है टैप रूट में फॉर फूड स्टोरेज एंड फॉर द रेस्पिरेशन, और दूसरा हम जब देखेंगे वो होगा मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटेशियस रूट, मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटेशियस रूट फॉर द फूड स्टोरेज एज वेल एज फॉर द मैकेनिकल सपोर्ट। तो आपको ये बेसिक चीजें समझ में आ गई होगी कि रूट्स दो प्रकार के हैं, टैप रूट और सुडो रूट्स। तो अगर टैप रूट है तो टैप रूट के भी मॉडिफिकेशन है, सुडो रूट्स है तो सुडो रूट्स के भी मॉडिफिकेशन। तो पहले हम टैप रूट में देखते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट
फॉर फूड स्टोरेज। ठीक है, तो इसमें तीन है देखिए, एक है कॉनिकल जिसका एग्जांपल है कैरेट, फ्यूजीफॉर्म जिसका एग्जांपल है रेडिश, और नेपीफॉर्म इसका एग्जांपल है बीट रूट। कॉनिकल इज अ टाइप ऑफ अ रूट, कॉनिकल इज अ टाइप ऑफ अ मॉडिफिकेशन ऑफ अ रूट विच हुज एग्जांपल इज अ कैरेट, एंड दिस रूट इज बेसिकली टेपरिंग फ्रॉम द बॉटम। एक याद रखिए वर्ड, TAPPERING, टेपरिंग मतलब पॉइंटेड, नीचे से नुकीला, मतलब ट्रेंगल जैसे पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, ये जो पॉइंटेड है ना इन्हें हम कहेंगे टेपरिंग। सो दिस कॉनिकल इज अ टेपरिंग फ्रॉम द बॉटम एंड ब्रॉडर फ्रॉम द टॉप। कॉनिकल इज अ टेपरिंग फ्रॉम बॉटम एंड ब्रॉडर फ्रॉम टॉप। सेकंड वन इज अ फ्यूजीफॉर्म। फ्यूजीफॉर्म इज ऑल्सो द मॉडिफिकेशन ऑफ अ टैप रूट एंड टर्न इन टू द फ्रूट लाइक अपीयरेंस और वेजिटेबल लाइक अपीयरेंस, दिस इज कॉल्ड फ्यूजीफॉर्म। एग्जाम्पल इज अ रेडिश, जो मोलियम कहते हैं उसे रेडिश। ठीक है, एंड दिस फ्यूजीफॉर्म इज ऑल्सो टैपरिंग फ्रॉम द बॉटम एंड ब्रॉडर फ्रॉम द, यू कैन से, अपेक्स, एंड सेंट्रल पोर्शन इज अ टोटली बल्जी। नेपीफॉर्म इज ऑल्सो द टाइप ऑफ अ, यू कैन से, रूट मॉडिफिकेशन इन विच अ सेंट्रल पोर्शन इज अ टू मच बल्जी एंड स्वेल ऑन, एंड बॉटम इज अ टैपरिंग एंड अपर पोर्शन इज ऑल्सो, यू कैन से, स्वेल ऑन, और यू कैन से सर्क्युलर। बॉटम पोर्शन प्रोड्यूस सो मेनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इट इज ऑल्सो फाउंड इन द, यू कैन से, कॉनिकल मीन्स कैरेट एंड फ्यूजीफॉर्म मीन्स रेडिश, बट वेरी थीन थीन, बट इन, यू कैन से, नेपीफॉर्म अ थिक वन इज ऑल्सो फाउंड। सो ऑल दिस थ्री आर दी मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट फॉर द फूड स्टोरेज। तो ये तीनों के तीनों रूट ने अपने आप में बताए हुए चेंजेस हैं जिन्हें हम कहते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट फॉर फूड स्टोरेज। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, निमेटो फॉर फर्दर रेस्पिरेशन। तो गाइस आई वांटेड टू टेल यू व्हाट इज निमेटो फॉर। नेमेटोफोर इज नथिंग बट द टाइप ऑफ, नेमेटोफोर इज नथिंग बट द टाइप ऑफ अ रूट विच इज फाउंड इन दोस प्लांट विच फाउंड इन अ मर्शी एरिया और सॉल्ट एरिया। जो प्लांट काफी कीचड़ में होते हैं या तो सॉल्ट में होते हैं ना, उन प्लांट के, ये जो कीचड़ जैसा दिख रहा है, उन प्लांट में क्या होता है, इन प्लांट के जो रूट होते हैं, ये रूट्स अंदर अंदर मतलब जमीन के अंदर रेस्पिरेशन नहीं कर पाते, मतलब ऑक्सीजन को गेन नहीं कर पाते। इसके लिए प्लांट क्या करते हैं, इनके रूट को जमीन में से बाहर निकालते हैं। आपको दिख रहा होगा, आपने एक फेमस मूवी देखी होगी, लाइफ ऑफ पाई, इरफान खान की थी। तो इस मूवी में एक जंगल बताया गया था, उस जंगल में ये सभी प्लांट थे। इन प्लांट को हम कहते हैं मैंग्रोव प्लांट। इन प्लांट को हम हेलोफाइट्स भी कहते हैं। हेलो मतलब सॉल्ट, फाइट्स मतलब प्लांट, हेलोफाइट्स मतलब सॉल्टी प्लांट, मतलब सॉल्टी प्लांट मतलब सॉल्ट में रहने वाले प्लांट। तो कीचड़ में या तो ऐसे एरिया में जहाँ पे सॉल्ट काफी ज्यादा हो, उस एरिया को हम कहते हैं, उस एरिया को इन द सेंस उस प्लांट को हम कहते हैं हेलोफाइट्स, ऑल्सो नोन एज अ मैंग्रोव प्लांट। और ये वो प्लांट है जहाँ पे रेस्पिरेशन करना काफी मुश्किल है। तो ये प्लांट क्या करते हैं, उनके रूट जो जमीन के अंदर होते हैं वो जमीन से बाहर निकल आ जाते हैं और खड़े हो जाते हैं इससे, और उन प्लांट के रूट को हम कहते हैं निमेटोफोर्स, क्योंकि इन प्लांट के रूट के ऊपर छोटे से होल्स होते हैं और उसके थ्रू ये ऑक्सीजन लेते हैं। इसके लिए हम कैसे कहते हैं निमेटोफोर, और ये क्यों यूज करते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये दोनों के दोनों क्या है हमारे सामने, ये दोनों के दोनों टैप रूट सिस्टम है, ये दोनों के दोनों टैप रूट के मॉडिफिकेशन है। क्यों मॉडिफिकेशन है, फॉर द पर्पस ऑफ फूड स्टोरेज एज वेल एज फॉर द पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन। तो पहला था फॉर द पर्पस ऑफ फूड स्टोरेज, एग्जांपल वाज कॉनिकल, कैरेट, फ्यूजीफॉर्म, रेडिश, नेपीफॉर्म, बीट रूट, एंड फॉर द पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन निमेटोफोर। क्या थे निमेटोफोर, नेमेटोफोर आर द टाइप ऑफ अ रूट विच इज प्रेजेंट इन द
प्लांट बॉडी, दिस प्लांट जनरली फाउंड इन अ सॉल्टी एरिया और मार्शी एरिया, जो जहाँ पे काफी सॉल्ट हो या तो जहाँ पे काफी कीचड़ हो, वहां पे जो प्लांट होते हैं वो प्लांट रेस्पिरेशन नहीं कर पाते। इसके लिए वो प्लांट, उन प्लांट के रूट है ना, जमीन में से बाहर आ जाते हैं, उसे हम कहते हैं निमेटोफोर्स। तो ये दोनों थे टैप रूट मॉडिफिकेशन। अब हम आगे चलते हैं मॉडिफिकेशन फॉर द एडवेंटेशियस, मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटेशियस रूट, सेम फॉर द पर्पस ऑफ फूड स्टोरेज एंड फॉर द पर्पस ऑफ मैकेनिकल सपोर्ट। तो आप देख लीजिए पहले ये क्या है, यह है बेसिकली दी यू कैन से स्वीट पोटैटो। तो चलिए हम देखते हैं सिंपल ट्यूबरस रूट। सिंपल ट्यूबरस रूट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटेशियस रूट एंड अपीयर लाइक अ फ्रूट लाइक अपीयरेंस, अपीयर लाइक अ फ्रूट लाइक अपीयरेंस एंड दिस इज मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटेशियस रूट इन व्हिच रूट बेसिकली ये जो होते हैं सिंपल रूट, इनको हम सिंपल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सिंगल सिंगल होते हैं। और इन्हें ट्यूबरस रूट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सिंगल होने के बावजूद ये न्यूट्रन को एब्जॉर्ब करते हैं। रिमेंबर दिस सिंपल ट्यूबरस रूट्स आर पॉइंटेड फ्रॉम अप बेस एज वेल एज अपेक्स, मतलब दोनों साइड ये टेपरिंग होते हैं और सेंटर में पूरा का पूरा स्टार्च से भरे हुए होते हैं, पूरा का पूरा स्टार्च से भरे हुए होते हैं। यस, सो दिस इज अ सिंपल ट्यूबरस रूट टेपरिंग फ्रॉम बोथ द साइड एंड सेंट्रल पोर्शन इज अ बल्की एंड बल्जी स्वेलो एंड फॉर्म्ड बाय द स्टार्च। फेसिकुलेटेड ट्यूबरस रूट जस्ट बिकॉज इट हैज अ ब्रांचेस सो इट इज फेसिकुलेटेड एंड इट वाज सिंपल, देयरफॉर इट वाज कॉल्ड सिंपल ट्यूबरस। फेसिकुलेटेड ट्यूबरस रूट इज आल्सो द टाइप ऑफ रूट इन व्हिच इट इज फुल्ली बल्की एंड इट हैज अ ब्रांचेस, देयरफॉर इट इज fasciculated. Only difference is it is having branches, therefore it is fasciculated. So guys, this is for the food storage. Now moving towards the mechanical support. In mechanical support, there are three type of roots. One is a prop root, stilt root, and climbing root. Prop root, the famous example of a prop root क्या होते हैं? तो देखिए ये एक पेड़ है, बरगद का पेड़, ट्री, और इस ट्री में क्या होता है, मैंने पहले ही आपको बताया था, मॉडिफिकेशन हम एडवेंटेशियस रूट में देख रहे हैं, मतलब ऐसे रूट जिनके जनरली ये रेडिकल में से रूट नहीं निकलते। तो ये रूट जो, ये जो प्लांट है उसमें से ब्रांचेस में से रूट लटक रहे हैं, और ये प्लांट नियर अबाउट 200 साल पुराना है, और इस प्लांट में से नियर अबाउट 1600 ब्रांचेस हैं, ऐसे मतलब 1600 ऐसे रूट लटकते हैं, और इन्हें हम कहते हैं प्रोप रूट। तो अगर ये देखिए, ये प्रोप रूट अगर नीचे जमीन को टच हो जाता है, तो जमीन को अगर ये टच हो जाता है तो ऑब्वियसली प्लांट को गिरने से मदद करेगा, फोर्स अगर प्लांट में इतना भी आ जाता है एयर फोर्स, तो अभी ये गिरने में मदद करेगा, तो ये होता है प्रोप रूट। कलकत्ता में हावड़ा एरिया में ये सबसे बड़ा प्लांट है। नेक्स्ट स्टिल्ट रूट, वी नो दैट जनरली दी शुगर केन प्लांट, शुगर केन प्लांट में जो नोड और इंटर नोड होते हैं ऐसे, तो सभी नोड से ऐसे सर्कुलर कुछ रूट निकलते हैं और वो रूट जमीन के अंदर चले जाते हैं, जमीन से टच हो जाते हैं, और जो गन्ने जो होते हैं शुगर केन, उनके ऊपर कितना भी एयर का फोर्स बैंड कर दो, ये गन्ने नीचे नहीं गिरेंगे, जस्ट बिकॉज ये चारों तरफ से ये रूट है। अगर गन्ने को इस तरह से प्रेशर आता है तो ये उस साइड के रूट उनको प्रोटेक्ट करेंगे, और इस उस साइड से प्रेशर आता है तो इस साइड के रूट प्रोटेक्ट करेंगे। सो दिस इज टूल स्टिल्ट रूट फॉर मैकेनिकल सपोर्ट। क्लाइंबिंग रूट, कुछ रूट ऐसे होते हैं जनरली स्टेम के ऊपर ऐसा क्रॉल हो जाते हैं, मतलब गोल गोल घूमने लग जाते हैं, जैसे क्लाइंबिंग कुछ क्लाइंबर्स होते हैं प्लांट, ऐसे ये कुछ क्लाइंबर रूट होते हैं और ये भी प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट करते हैं। तो हमने क्या क्या देखा आज इस टॉपिक में, हमने सबसे पहले देखा स्ट्रक्चर ऑफ अ रूट विथ अ रूट कैप्स, एरिया ऑफ सेल डिवीजन, एरिया ऑफ अ सेल एलोंगेशन, एरिया ऑफ सेल डिफरेंशिएशन, रूट हेयर्स, फिर हमने उसके टाइप देखे टैप रूट एंड एडवेंटेशियस रूट, और फिर हमने देखा यू कैन से मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट फॉर द फूड स्टोरेज, फॉर द निमेटोफोर रेस्पिरेशन एंड फॉर द पर्पस ऑफ
फॉर द फूड स्टोरेज एंड फॉर द पर्पस रेस्पिरेशन एंड देन मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटेशियस रूट फॉर द फूड स्टोरेज एज वेल एज मैकेनिकल सपोर्ट. सो थैंक यू सो मच गाइस, यही तक था हमारा आज का सफर इस टॉपिक में. और इसके बाद का हम जो वीडियो देखेंगे वो देखेंगे स्ट्रक्चर फंक्शन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेट. मैं आप लोगों के लिए बता दूं, अगर आप एनसीईआरटी का बुक लेके बैठे हो तो आपको काफी कम मटेरियल मिलेगा. एनसीईआरटी में इतना डिस्क्रिप्शन नहीं है, ठीक है, मॉडिफिकेशन का के बारे में इतना. ओके, थैंक यू सो मच, वी विल मीट अगेन. इफ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल.